असदुद्दीन ओवैसी लगता है इन्हें भड़काऊ और जहरीले बोल की आदत हो गई है, और हो भी क्यों ना, जनाब को समाचारों में बना रहना जो पसंद है। इन दिनों ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर देश में मुगल काल के इतिहास को लेकर बहस छिड़ी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों और मुगल काल को लेकर कुछ ऐसा लिख दिया जिस पर हंगामा मच गया। उन्होंने लिखा कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। उनके इस पोस्ट के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। मुगल बादशाहों की बीवियों का जिक्र कर ओवैसी क्या कहना चाहते हैं, ये आप समझ गए होंगे। ये बयान शर्मसार करती है। ये उस नेता का बयान है जो संविधान की बातें करता है, धर्म निरपेक्षता की बातें करता है, लोकतंत्र की बात करता है और महिलाओं के सम्मान की बात करता है, लेकिन इस बयान ने संविधान लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर दिया है। ओवैसी का यह बयान किसी गाली से कम नहीं है, लेकिन उनका यह बयान कितना झूठ है जिसमें वो भारतीय मुसलमानों को मुगलों से अलग कर रहे हैं। खुद ओवैसी ने फरवरी 2020 में एक डिस्कशन के दौरान कहा था कि भारत के अधिकतर मुसलमान हनफी मुसलमान हैं, जो फतवा आलमगीरी को फॉलो करते हैं। आपको बता दे कि फतवा आलमगीरी एक किताब है जो औरंगजेब ने लिखी है। अब जरा समझिए कि अगर ओवैसी का मुगलों से कोई नाता नहीं है तो फिर औरंगजेब की लिखी किताब को क्यों फॉलो करते हैं। इसके अलावा ओवैसी के सगे संबंधी औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने जाते रहते हैं। अगर मुगलों से इनका कोई संबंध नहीं तो फिर औरंगजेब की कब्र से ये कौन सा रिश्ता निभाते हैं। खैर, पूरे मामले में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। ये बयान नहीं है बल्कि गाली दे रहे हैं भारत के सनातन को। मैं कहूंगा कि ये ओवैसी वही हैं जो पूरा परिवार जहर उगलते हैं भारत के सनातन पर, भारत के हिंदुओं पर। ये ओवैसी अगर 1947 के पहले होते ये सुपर जिन्ना होते, और आज के भी ये सुपर जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी की रैली में अक्सर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नारे सुनाई देते हैं। बड़े ओवैसी ही नहीं, इनके भाई भी हिजाब विवाद, जनसंख्या नियंत्रण कानून, भारत माता की जय बोलने जैसे तमाम मसलों में जहर उगल चुके हैं। अब एक बार फिर अपने इस बयान से इन्होंने किसी खास धर्म को निशाना बनाया है, या यूं कहें कि गाली दी है।